लोकतंत्र के महापर्व में सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मतदान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मतदान किया है। आपको बता दें कि सरदारपुरा सीट से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम गहलोत ने परिवार के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पत्नी सुनीता गहलोत, पुत्र वैभव गहलोत, पुत्र वधु हिमांशी सहित मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वोट डाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवार सहित जोधपुर के पावटा रोड स्थित बूथ पर पहुंचकर मतदान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मतदान किया है, सह परिवार पहुंचे हैं। और इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता मलखान मीना। मलखान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस लोकतंत्र के महापर्व में, इस उत्सव में परिवार सहित पहुंचकर मतदान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल आशीष जी, जिस तरह से आज लोकतंत्र का ये महापर्व मनाया जा रहा है, तो ऐसे में तमाम जो पार्टी के बड़े लीडर हैं वो सभी अपने परिवारों के साथ मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने परिवार के साथ मतदान किया है और वहाँ की जनता को एक विश्वास दिया है कि आने वाले समय में एक बार फिर कांग्रेस की रिपीट सरकार होगी। तो ऐसे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। जिस तरह से मतदान का जो समय था सुबह से और शाम तक का है, तो ऐसे में सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा था। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आशीष जी 199 सीटों पर ये मतदान हो रहा है और आज जिस तरह से बात की जाए जो मतदाता हैं वो भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद करने जा रहे हैं। और मानक ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो प्रत्याशियों की जो परीक्षा है वो ये कड़ी परीक्षा भी मानी जा रही है। तो ऐसे में अब जनता के सामने जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में अपने परिवार के साथ एक साथ अगर मतदान करने जा रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ निकल कर आ रही है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक परिवार अगर एक साथ मतदान करता तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एक परिवार में एकता का संदेश है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वही जोधपुर की जनता को देने के दिया है कि एक साथ आप आइए और मतदान करिए, क्योंकि मतदान एक जरूरी है और लोकतंत्र का जो ये पर्व है ये बड़ा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से जोधपुर में अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे तो वहां पर जो तमाम मतदाता थे उनमें बड़ा उत्साह देखा जा रहा था। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस की रिपीट सरकार होगी। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है, मुख्यमंत्री बार बार पहले भी कहते थे आशीष जी कि मैं जनता के लिए हमेशा देता रहूंगा और देने का काम किया था। तो उन तमाम मुद्दों को लेकर जहां से बड़े लीडर, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, तमाम बीजेपी के कह रहे हैं कि एक बार अब हमारी सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से पहुंचे तो वहां कहीं ना कहीं बड़ा उत्साह देखा गया, परिवार के साथ मतदान किया, तो इससे बहुत बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। और देखिए बिल्कुल 199 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि 1862 प्रत्याशी मैदान में हैं और 1862 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला राजस्थान की जनता करेगी। राजस्थान की जनता ईवीएम में बंद करेगी उनका भाग्य क्या कहता है, और हर विधानसभा क्षेत्र की जनता ये सोच रही है कि कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए, कौन हमारी 5 साल तक सेवा करेगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता आज जो मतदान कर रही है वो मतदान सबसे अहम मतदान माना जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आज का जो पर्व है ये प्रदेश के लिए नहीं पूरे राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये आज का जो पर्व है काफ़ी अच्छा है, लोकतंत्र का पर्व है। सुबह से चहल पहल थी, जैसे जैसे सूर्य की किरणें निकलती जा रही हैं वैसे वैसे मतदाताओं का रुझान भी मतदान केंद्रों की तरफ हो रहा है। हालांकि हमारे सहयोगी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में, क्या सर आज का जो पर्व है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, किस तरह से क्या? देखिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि जो आम आवाम है वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो मतदान दिवस जो है उसको उसी तरीके से लेना चाहिए। और लगातार हमारे फील्ड में जिस तरीके से हमारे लोग लगे हुए हैं, हमारे रिपोर्टर्स लगातार पल पल की खबरें दे रहे हैं, तो वो सब चीज़ें यही है कि कितना रुझान जो है वो सुबह, अगर जयपुर की बात करें, राजधानी की बात करें हम, तो धुंध थी,
थोड़ी सी हल्की गुलाबी सर्दी का एहसास शुरू हो गया, लेकिन उसके बावजूद लोग सुबह से, और सबसे बड़ी बात है जिस जिस मतदान केंद्र पर गए हम वहाँ बुजुर्ग लोगों की संख्या देखने को मिली, नव मतदाता भी थे, जो नए जो पहली बार वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं उनमें भी खासा उत्साह है। इस बार कवायद भी बहुत की गई, नवाचार भी जो है वो निर्वाचन विभाग की ओर से काफी कुछ किए गए हैं, सुविधा युक्त जो है वो मतदान केंद्र को बनाया गया। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि सब जगह जो है पुलिस को डिप्लॉय किया हुआ है, एसटीएफ वहां पर आ चुकी है, संवेदनशील जो क्षेत्र हैं वहां पर भी कुछ एक जगहों पर यह जरूर देखने को मिला कि कहीं कहीं जो ईवीएम है उसमें खराबी की बात आई। हमने ये क्वेश्चन प्रवीण गुप्ता जी से भी किया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो, उन्होंने कहा कि हमने जो फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जहां पर भी इस तरीके की स्थितियां बनी है मलखान, वहां पर तुरंत आईटी की टीम पहुंचती है, अगर ईवीएम ठीक होने की स्थिति में होती है उसे तुरंत ठीक करके उसको वापस से मतदान की प्रक्रिया शुरू कराई जाती है, और अगर कहीं कुछ लेकुना रह जाता है तो ऐसे में नई ईवीएम वहां पर पहुंचा दी जाती है। तो करीब करीब उन्होंने कहा कि इसके अंदर आधा घंटे का आसपास का जो है वो टाइमिंग लग सकता है, लेकिन उसके बाद वापस जो मतदान की प्रक्रिया है वो वापस से शुरू हो जाती है। लेकिन दिपेश जी, सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिली कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने परिवार के साथ जोधपुर पहुंचे थे और एक साथ मतदान किया, तो क्या संदेश देना चाहते हैं मुख्यमंत्री, और कह रहे हैं कि वहां के मतदाताओं की कि एक बार फिर कांग्रेस की रिपीट सरकार आएगी, तो एक साथ मतदान करने का बहुत बड़ा एक संदेश भी होता है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री लगातार अपने हर मन से कहते हैं कि उनका कहा उनका किया हुआ जो है वो एक संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए, और बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, चाहे गहलोत साहब हो, चाहे सचिन पायलट साहब हो, इन्होंने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया है, और परिवार सहित अगर मतदान किया है तो बिल्कुल ये जनता में जाता है। शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा हम देखते हैं कि लोग बाग कम निकलते हैं, मतदान जब होता है, मतदान दिवस होता है उस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है, लेकिन उसको वो अवकाश की तरह लेते हैं। लेकिन हम भी हमारे चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, जो जिन तक हमारी बात पहुंच रही है, हम उनको ये कहना चाहेंगे, हम अपील करना चाहेंगे कि उन्हें निकलना चाहिए, ये लोकतंत्र का पर्व है, महापर्व है, और हमारे पास वो शक्ति है हमारे प्रतिनिधि को चुनने की, तो हमें मतदान केंद्र की तरफ जाना चाहिए और इसको छुट्टी की तरह नहीं लेना चाहिए, एक अधिकार के तौर पर, एक कर्तव्य के तौर पर देखते हुए हमें जाना चाहिए और मतदान करना चाहिए। दिपेश जी बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह से चाहे बीजेपी के नेताओं की बात कर लेते हैं, चाहे कांग्रेस के नेताओं की बात, हर पार्टी के तमाम जो लीडर हैं, चाहे हनुमान बेनीवाल की बात कर लेते हैं, तो सभी ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी होगी क्या, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की योजनाओं को लेकर जनता वोटिंग करेगी या किस तरह से वोटिंग करेगी, किस लगता है? देखिए अब जनता जो है वो जनार्दन है, जनता जो है वो लोकतंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, और वो क्या है, मतदान जो है वो देखो गुप्त मतदान है, कौन किसको कर रहा है ये उसकी पर्सनल बात है, तो लेकिन किसको करिए, तो 3 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगी उसके बाद पता चलेगा कि गहलोत साहब की जो योजना है उनका इम्पैक्ट रहा, या एंटी इनकम्बेंसी को और दूसरे जो तुष्टीकरण की बात कर रही थी बीजेपी, दोनों सरकारों के, दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफत हनुमान बेनीवाल जो है झंडा लेकर चल रहे थे, या और दूसरे जो पार्टियों के जो नेता है वो चल रहे थे, क्या कुछ रहेगा ये तो 3 तारीख को। मलखान आप बने रहिए हमारे साथ।